नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र बदौलिया। अगर आपने हमारा एसआर यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस चैनल पर अशोकनगर से जुड़ी तमाम जानकारियां मिलेंगी। नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले लोगों को एक नई सुविधा मिली है। अगर आपके आसपास कचरा है, कोई परेशानी है या किसी तरह की दूसरी समस्या है तो आप एक टोल फ्री नंबर पर जो है संपर्क कर सकते हैं और आप अपनी जो शिकायत और समस्या बता रहे हैं उसको हल करने का भी प्रयास किया जाएगा। बीते दिनों नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सुशीला साहू ने इस टोल फ्री नंबर का उद्घाटन किया और उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टोल फ्री नंबर का उपयोग करें, उनको समस्या बताएं। उसके लिए एक टीम गठित की गई है। जैसे ही आपकी समस्या या शिकायत दर्ज की जाएगी वो टीम वहाँ पहुँचेगी और तुरंत उस पर कार्रवाई करेगी। जनता की शिकायत के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। वो टोल फ्री नंबर पे जनता अपनी समस्याओं की शिकायत या कोई समस्या बता सकती है, तो उसमें आपका जनता का कोई पैसा खर्च नहीं होगा। टोल फ्री नंबर पे जब चाहे जब लगाकर अपनी समस्या बता सकते, यहाँ आकर भी अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो बहनें हैं, वैसे तो पुरुष भाई परेशान होते हैं, घर की बहनें कम पढ़ी लिखी होती हैं, उन्हें पता नहीं होता कि कौन सा काम किस विभाग की किस शाखा में होगा, तो लगातार भटकती रहती है। कई बार मुझे भटकती हुई मिल गई और कहती है हमें पैसे जमा करना है या शौचालय बनवाना है तो हम किस विभाग में जाएँ, तो मैं खुद पी उनको भेज के उनके साथ कर देती हूँ। लेकिन अब जब यदि मुझे नहीं मिल पाए और लोग भटकते रहे तो ये हाईटेक नगर पालिका के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमने पूछताछ केंद्र बनाया है ताकि जो भी बहनें या भाई जिनको उस विभाग से काम है यहाँ पर पूछ सकते हैं। हमारे हर शाखा में नंबर डले हुए हैं, जिस नंबर के रूप में जो काम होता है उनको बता दिया जाएगा ताकि जो जनता को होने वाली परेशानी से निजात मिल पाएगी। एक मोबाइल ऐप भी हमने मतलब डाला हुआ है, जिसे मोदी जी की तर्ज पर एक ऐप बनाया, उसमें भी आप समस्याओं से जुड़ बता सकते हैं और जो भी हमारे कारण है उसको ऐप पे आप जाकर देख सकते हैं। मोबाइल ऐप भी है, टोल फ्री नंबर भी है और कुछ ऐसी समस्याएं जो हम तत्काल उनका समाधान कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर पे हमने 24 घंटे का समय का कहा है कि हम 24 घंटे में समस्याओं का निदान करेंगे, लेकिन कुछ समस्या ऐसी जो तुरंत निदान हो सकता है, हम पूरा प्रयास करेंगे उनका तुरंत निदान करने का और जिस तरह की समस्या होगा उसको उसी तरह से निदान किया जाएगा। मैं हमारे शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इस क्षेत्र में नगर पालिका ने जो हाईटेक बनाने का काम की कहा था वो लगातार उसमें काम कर रहे हैं जनता की सुविधा के लिए। अगली कड़ी में हम शहर में वाईफाई लगाने वाले हैं। 2018 के पहले हम शहर को ये सुविधा सौगात देंगे कि हमारे पूरे शहर में वाईफाई लगाएं।